तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ वासंती भाई, आपका फराली ऑर्डर रेडी है। चकली, शंकर पाए, अनार से चिवड़ा सब रेडी रखा है। आपको जब भी टाइम मिले ना लेके जाना। हाँ क्यों, क्या हुआ सुधाकर जी के मूड को? काय को भाई, ये पतियों का मूड भी ना फटाफट जैसा होता है, को फूटे पता नहीं चलेगा। बस दीदी भाई, आपको जब भी टाइम मिले ना आप आके लेके जाना। हाँ अच्छा, बाय रखती हूँ मैं, बाय बाय। क्या क्या, हम पतियों का मूड पटाखों की तरह होता है, कब फूट जाए पता नहीं चलता। मैं तो ऐसी बोल रही थी उनको। नहीं क्या ना माधवी, तुम पत्नियां होती हो ना, वो माचिस की तीली की तरह होती हो, जो पति के मूड को चिंगारी लगाती है, इसलिए पति का मूड पटाखे की तरह फूटता है। अब वैसे किले कैसे हो गए? मेरे परेशानी की एक ही वजह है सोसाइटी में माधवी, उसमें से वो जूनियर गड़ा जो मेरे पे आज भारी पड़ा, उसकी वजह से मेरे पे आज पानी पड़ा। वाह वाह, का वाह, कविता थोड़ी करते हैं। नहीं नहीं मतलब ये कैसे हुआ? वो टप्पू अपनी बालकनी धो रहा था ना, तो उसने ऐसे पानी डाल दिया जो मेरे पे गिर गया। मैं नीचे सकरम पार्क कर रहा था। ठीक है, उसने देखा नहीं होगा कि आप नीचे खड़े हैं। वही तो मैं हमेशा बोलता हूँ, जेठालाल को भी समझाता हूँ कि भाई जेठालाल, सूरज को जल चढ़ाने से पहले एक बार नीचे देखा करो, कोई खड़ा है नहीं खड़ा है। सेम टप्पू ने किया, नीचे देखा ही नहीं, डायरेक्ट पानी डाल दिया। अभी ठीक है, जाने दीजिए, गुस्सा मत कीजिए, त्योहार के दिन है ना, अभी खुश रहिए आप। आज का दिन ही भारी है मेरे पे। पहले ये पानी गिरा, उसके पहले वो सोडी और अब्दुल ने सखानंद को छुपा दिया। किसको? सखानंद को। हाँ कौन है? अभी भी सखानंद। हाँ, आपके नोटिस बोर्ड का नाम सखानंद देने का। हाँ? किन किन चीजों का नाम रखते हैं रामा? क्या क्या क्या? नहीं नहीं, वो रामा ना, सखानंद को क्यों छुपाया? मजाक, थोड़ी को मजाक करने की सूझी, मेरे साथ मजाक किया उसने। काय को भाई, सोड़ी भाई भी ना। आप जल्दी से जाके फ्रेश हो जाइए, कुर्ता भी बदल लीजिए। हाँ, और इस बैग में क्या लाया आप? इसमें अनार है। अरे वाह, मैं आपके लिए अनार का जूस बना के लाती हूँ, आप फ्रेश हो जाइए। लाइए। नहीं नहीं, तुम इस बार अनार का जूस नहीं बना सकते। क्यों, क्यों नहीं बना पाऊंगी? कितनी बार तो बनाया है। हाँ लेकिन मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि इस बार तुम अनार का जूस नहीं बना पाओ। आपको हारना ही है तो थोड़ा मुश्किल चैलेंज तो दीजिए। ये क्या आसान चैलेंज दे रहे हैं? अनार का जूस बनाना तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। अब भी बना के लेके आती हूँ, लाइए। पटाखों का अनार है। इसीलिए बोला नहीं बना सकती जूस। टाइगो भाई, वैसे कहाँ से लाए ये? अरे वो वासवर्ण के पास डिलीवरी करने गया था ना, तो उन्होंने दिवाली के रिटर्न गिफ्ट के तौर पे ये दे दिया। वो अच्छा अच्छा, छेड़ा स्टोर का ऑर्डर रेडी है, आप चेंज करके ना देख के आना। हाँ जरा। हाँ माधवी, मैं जाता हूँ। अहो, आपको कितनी बार बोला है जाता हूँ नहीं आता हूँ बोलना होता है। हाँ ठीक है, मैं जाके आता हूँ। बोला इस से। अरे गोली गोली गोली, बस बस बस, बहुत पानी हो गया अभी। इतना सारा वॉशिंग पाउडर क्यों डाल रहा है? ओए काके, जितना वॉशिंग पाउडर डालेंगे उतना ज्यादा टाइल चमकेगी ना। ये देख, मौज मस्ती करो लेकिन जरा संभाल के फिसल मत जाना। ये देवा, ये टप्पू सेना का सफाई अभियान अभी तक खत्म नहीं हुआ, अरे कितना पानी का अपव्यय कर रहे हैं लोग, जाके समझाना ही पड़ेगा मुझे।
ये तो रखूंगा तो किला हो जाएगा। अब्दुल। हाँ बेटे भाई। जरा एक मिनट यहाँ ना। अरे ये टप्पू सरा कब से जेठा के घर पे ना सफाई कर रही है, बहुत सारा पानी वेस्ट कर रही है, खुद को जाके जरा समझाना पड़ेगा। मैं समझा के आता हूँ। जाइए 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 जाइए, मतलब मुझे परमिशन नहीं मांग रहा हूँ। ये थैलिया पकड़ो, मैं जाके जरा समझा के आता हूँ। क्या इसमें चिवड़े का ऑर्डर है, वो क्लाइंट को देना है मुझे। हाँ ओके आता हूँ आता हूँ। जल्दी है ना। हाँ हाँ ये टप्पू से ना। अरे ये क्या बाबा कुछ नहीं आई 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 को। अरे ए भीड़ मत क्या कर रहा है गोली? अरे उधर जा उधर जा उधर जा, पीछे जा जा पीछे जा पीछे जा पीछे। तू ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। आया 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 लगी तो नहीं? नहीं 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 लगी नहीं। आया 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 आया। तू क्यों आया यहाँ फिसलने? अरे फिसलने नहीं आया था चाचा जी, ये टप्पू सरों को बोलने आया था कि पानी का अपव्यय मत करो। अपव्यय नहीं अपव्यय, मतलब वेस्टेज मत करो। कितना पानी वेस्ट कर रहे हो तुम लोग? पीड़ा अंकल वेस्ट क्या कर रहे थे पानी, हम लोग तो टाइल्स धो रहे थे। अरे कितनी धोगे टाइल्स? घर जाके फिर से कुर्ता और पैंट चेंज करना पड़ेगा। मतलब? हाँ चाचा जी, थोड़ी देर पहले मैं सखाराम पार्क करा था नीचे, तो बालकनी में से पानी आया मेरे सर पे। सॉरी बाबा सॉरी बाबा। सॉरी बेटे अंकल, आई हम आपकी मदद। नहीं नहीं नहीं, कोई मेरी मदद नहीं करेगा, मैं खुद कर लूंगा। आराम से। धीरे 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 धीरे। पापा मुझे पकड़ सकते हो? नहीं नहीं नहीं, तुम भी गिरोगी बेटा। संभल के। अरे बच्चों अभी आराम से करना, जो भी करना आराम से करना। गोगी ने बहुत पाउडर डाल दिया, वो गोली को उठाओ। तू बैठे बैठे ही कर, तू बैठे बैठे कर, तू बैठे बैठे ही कर। दे 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 भाई, ठीक है उठाओ गोली। बड़े भाई ये लीजिए, तब मैं चलता हूँ, दुकान पे कोई नहीं। अरे दो मिनट रुकना जरा अब्दुल, मैं जरा चेंज करके आता हूँ। क्यों क्या हुआ? अरे गीला हो गया हूँ भाई। कहाँ से? ये देखो। कैसे? अरे क्या हुआ, मैं अंदर समझाने गया ना टप्पू सेना को। अरे ये टप्पू सेना, अरे ये क्या बात? जब भी टप्पू सेना को समझाने जाता हूँ मैं ही परेशान हो जाता हूँ। जाने दीजिए बेड़े भाई, त्योहार का मौसम है, खुश रहिए। का चाल रहे का है, सुबह से हर कोई मुझे यही ज्ञान दे रहा है। खुश रहिए खुश रहिए। हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पे पानी डालो मैं खुश हूँ, मेरा ऐसे फिसल गया तो मैं खुश हूँ, मेरा वो बोर्ड छुपा मैं। जरा जाके आता हूँ। भिड़े सामान अब्दुल, फिलहाल इसको दुकान पे रखो, मैं जाते हुए कलेक्ट कर लूंगा। हाँ करके आ गया? अरे नहीं माधवी, मैं डिलीवरी करने जा ही नहीं पाया। क्यों? ये देखो
चालना का है तुमसा? आप जब भी नीचे जा रहे हो ऊपर गीले होके आ रहे हो। अभी किसकी वजह से? इस बार भी टप्पू की वजह से? नहीं, इस बार सिर्फ टप्पू नहीं, टप्पू सेना की वजह से। बच्चे जेठा भाई के घर में साफ सफाई कर रहे हैं, वो क्या खास कंपाउंड में आपको भिगाने के लिए उतरेंगे? तो आप गए थे भीगने? आप गए थे भीगने? अरे भीगने नहीं गया था मैं, उनको समझाने गया था। अरे माधवी, वो सफाई के चक्कर में कितना पानी का अपव्यय कर रहे थे, कितना भर भर के पानी डाल रहे थे माधवी के, कंपाउंड में पानी आ गया था, समझ में नहीं आ रहा था कि कंपाउंड धो रहे कि घर धो रहे। मैं समझाने ऊपर गया तो मुझे पता ही नहीं चला कि उन्होंने फर्श पे वो साबुन का पानी डाला हुआ है, तो मैं जैसे अंदर गया वैसे ही। भैया आपको कहीं लगा तो नहीं? नहीं नहीं लगा नहीं मुझे, लेकिन वो साबुन का पानी पूरा पैंट पे और कुर्ते पे लग गया, तो अभी दोबारा चेंज करना पड़ेगा। अभी आपके पास दूसरा कुर्ता है इस्त्री किया हुआ? नहीं, दूसरा इस्त्री किया हुआ कुर्ता तो नहीं है, लेकिन दिवाली के लिए कुर्ते लिए है ना, उसमें से एक पहन लूंगा। ठीक है, अच्छा एक पहन के जाना और एक साथ में लेके जाना एक्स्ट्रा। क्यों? क्या है, आज आपका गीला होने का दिन है ना, तो आप नीचे जाओगे वापस गीले होंगे, तो एक्स्ट्रा कुर्ता साथ में रहेगा, तो ऊपर आने की जरूरत नहीं ना। सब करो, तुम भी मजाक करो। हाँ, पति के साथ मजाक करना पत्नी का जन्म सिद्ध अधिकार होता है। ओके बाय। अभी आप फटाफट कुर्ता चेंज कर लीजिए और छेड़ा स्टोर। थैलिया किधर है? हाँ, वो मैंने अब्दुल के पास रखी है, वो जाते हैं मैं कलेक्ट कर लूंगा। अच्छा ठीक है, अच्छा मैं चाचा जी को फराल देने अभी जा रही थी, लेकिन बाद में जाऊंगी। हाँ अभी मत जाना, तो तुम भी वहाँ पे सावकाश। और टप्पू से ना हर चीज अपनी जगह पे ठीक से रख दी ना। यस दादाजी। हाँ दादाजी, बस वो कारपेट धोई है ना, उसको बाहर वरंडा में सूखने के लिए रखा है, जैसे सूख जाएगी उसको यहाँ रख देंगे। हाँ दादाजी, बाकी सब हो गया है, आप देखिए। हाँ, अरे वाह 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 टप्पू सेना, वाह, तुम लोगों ने घर तो एकदम चमका दिया है। और नहीं तो क्या दादाजी, टप्पू सेना जो भी करती है 100% बेस्ट ही करती है। एग्जैक्टली। वैसे फ्रेंड्स समझ ही नहीं आ रहा है कि थकान ज्यादा लगी है या भूख ज्यादा लगी है। आई थिंक भूख ही ज्यादा लगी है, प्लीज कोई नाश्ता ऑर्डर कर दो। नहीं नहीं, अच्छी बात नहीं, नाश्ता ऑर्डर करने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों आप लोग थक गए हो ना, तो आप सबको स्पेशल नाश्ता मिलेगा। अरे वाह 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 माधवी आंटी, थैंक यू सो मच, आपका ये ऐसा टप्पू से ना नेक्स्ट दिवाली की सफाई तक नहीं भूलेगी। नहीं नहीं, ये आप लोगों के लिए नहीं है बच्चों, ये चाचा जी के लिए है। चाचा जी आपके लिए दिवाली निमित्त, इसमें बेसन के लड्डू है और इसमें ड्राई फ्रूट का चिवड़ा, चक्री और अनार से है। लीजिए। माधवी आंटी हमारा नाश्ता? हाँ हाँ, मेरे घर पे गर्मा गर्म बड़ा पाव आप लोगों का इंतजार कर रहा है, चलो। अंजलि। अरे आप आ गए ऑफिस से? नहीं, रास्ते में। ऑफ कोर्स आ गया, तुम्हारे लिए जो आया हूँ। क्या बात है, आज आप बड़े खुश लग रहे हैं। हाँ बहुत खुश हूँ। खैर ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज लेकर आया हूँ। सरप्राइज? नई डाइट रेसिपीज की बुक। अच्छा, तो फिर फूलों का गुलदस्ता? नहीं, बॉस ने आपको दिवाली बोनस दिया है। वो तो मिल ही जाएगा, और सोचो। बताइए ना। अरे सोचो सोचो। रहने दीजिए, मुझे नहीं जानना। अरे नाराज क्यों हो रही हो, बैठो बताता हूँ। अरे क्या? आंखें बंद करो। तारक आंखें बंद करो। ठीक है जल्दी दीजिए। आंखें खोलना मत। हाँ क्या है? आंखें खोलो। फिर से मजाक। गिफ्ट यहाँ है मोहतरमा। क्या है इसमें? तारक ये क्या है? वाओ, कितना प्यारा कलर है। वाओ तारक, दिस इज सो प्रिटी। कैसा लग रहा है मुझ पर? बहुत सुंदर। बहुत अच्छा कलर है। आई लव द डिजाइन। वैसे मानना पड़ेगा आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी है।
वो तो होगी, मेरी चॉइस तुम जो हो। थैंक यू, आई लव्ड इट। अंजलि, थैंक यू से काम नहीं चलेगा। मैंने तुम्हें दिवाली गिफ्ट दिया ना, तो मुझे भी रिटर्न गिफ्ट चाहिए। रिटर्न गिफ्ट? हाँ, रिटर्न गिफ्ट। तारा, बदमाश। अरे, मुझे मेरी रिटर्न गिफ्ट चाहिए, दो। अच्छा ठीक है, आपकी रिटर्न गिफ्ट आपको मिलेगी। आइए बैठिए, बैठिए। अच्छा, अभी अपनी आंखें बंद कीजिए। हाँ हाँ। नो चीटिंग। हाँ ना, नो चीटिंग। नहीं नहीं नहीं, अभी आंखें खोलिए। रिटर्न गिफ्ट। वैसे आशा तो कोई और गिफ्ट की थी, लेकिन ये गिफ्ट भी श्रेष्ठ है। यू लाइक इट? हाँ। ये तो बहुत ही सुंदर है। मैं इसे दिवाली पे पहनूंगा। और आप इसमें बहुत हैंडसम भी लगेंगे। ऐसे भी दिवाली की बात ही निराली है। नए कपड़े, रंगोली, दिए, मिठाइयाँ, स्वादिष्ट नाश्ता। अरे, नाश्ते से याद आया, माधवी भाभी ने हम सबको ड्राई फ्रूट चूड़ा और बेसन के लड्डू भी दिए हैं। मुझे खाने मिलेगा ना? Actually, देखो अंजलि, दिवाली में कोई डाइटिंग नहीं है, और अगर तुम्हारा कोई दिवाली का डाइट प्लान है ना मेरे लिए, तो मैं ऑफिस चला जाऊंगा। अरे तारा। हाँ, और बॉस से कहूंगा मुझे कोई छुट्टी नहीं चाहिए, मैं 24 घंटे ऑफिस में काम करूंगा, लेकिन बदले में मुझे मिठाइयाँ और स्वादिष्ट व्यंजन खिलाएं। ओहो, कितना ड्रामा करते हैं आप, मेरे ड्रामा किंग। चलिए इस बार दिवाली में मैं भी आपको बोनस दे देती हूँ। क्या? डाइट फ्री दिवाली। इस दिवाली आपको जो खाना है खाइए, जितना खाना है खाइए, कोई रोक टोक नहीं। हाँ, लेकिन दिवाली के बाद डाइट करना पड़ेगा। मंजूर है, इस बार की दिवाली बहुत अच्छी होने वाली है। मैं अपनी फेवरेट जलेबी खाऊंगा, समोसे खाऊंगा, करंजी खाऊंगा, चिवड़ा, चिवड़ा भी खाऊंगा। अरे वाह 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 अंजलि, लगता है कि इस बार की दिवाली खत्म ही ना हो, बस ऐसे ही चलती रहे चलती रहे चलती रहे, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। तारक, इस बार तो दिवाली पे और भी मजा आने वाला है। कैसे? तारक, दिवाली में दया भाभी आने वाली है ना? अरे हाँ, इस दिवाली में तो दया भाभी आने वाली है। याद है सुंदर भाई ने कहा था, इस दिवाली इस घर में माय डियर बेना के हाथों से ही दिया प्रज्वलित होगा। सुंदर ने ये वादा सबके सामने किया था। वैसे आपकी जेठा भाई से बात हुई कि दया भाभी कब आ रही है? नहीं अंजलि, जेठालाल से दिन में 2-3 बार बात तो हो जाती है, लेकिन दया भाभी कब आ रही है ये पूछना भूल जाती है। लेकिन अगर सुंदर ने वादा किया है तो दया भाभी जरूर आएंगी। और गोकुलधाम में दिवाली की रौनक बढ़ जाएगी। वैसे त्योहार के दिन तो हर कोई खुश होता है, लेकिन गड़ा परिवार में खुशी दुगनी हो जाएगी। यही तो मजा है त्योहार का, इंसान अपनी सारी परेशानियां भूलकर त्योहार के रंग में रंग जाते हैं। हाँ, लोगों का व्यापार बढ़ता है, दोस्तों से रिश्तेदारों से मिलना जुलना बढ़ता है, और सबकी खुशी जैसे दुगनी हो जाती है, बढ़ जाती है। इसीलिए तो भारत देश को त्योहारों का देश, खुशियों का देश, उमंग उत्साह का देश कहा जाता है। क्या लगता है माधवी भाभी वाला नाश्ता है? तुमने कहा था ना दिवाली तक नो डाइटिंग, मैं खाऊंगा। नारियल? इस नारियल से मैं आपका फेवरेट खोपरा पाक बनाने वाली हूँ। क्या? खोपरा पाक? अरे वाह 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 अंजलि, इस दिवाली पे तो मजा आ जाएगा, तुम तो मुझे सरप्राइज पे सरप्राइज दे रही हो। और इस नारियल के परत से जूस बनाओगी? तारक, नारियल के परत से कौन जूस बनाता है? तुम अंजलि, तुम क्रिएटिव हो, कुछ भी कर सकती हो। आप तो ताने मार रहे हैं या तारीफ कर रहे हैं? तारीफ, तारीफ कर रहा हूँ। मुझे पता है तुम इस नारियल के परत को फेंकोगी नहीं, इसका कुछ ना कुछ यूज तो कर ही लोगी। वो तो है, बेस्ट में से बेस्ट बनाना मेरी स्पेशलिटी है। वाह 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 अंजलि, लोगों के पास स्मार्टफोन होता है, स्मार्ट वॉच होती है, स्मार्ट टीवी होता है, लेकिन मेरे पास तो स्मार्ट लाइफ है। वैसे क्या बनाने वाली हो बताओ तो। हाँ, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, कल जब बन जाएगा तब देख लेना। इनफैक्ट उसका गिफ्ट मैं अपने सहेलियों को देने वाली हूँ।
और दया भाभी के लिए भी कुछ स्पेशल गिफ्ट बनाने वाली हूँ। लेकिन कुछ तो आइडिया दो, क्या बनाने वाली हो तुम? नहीं वो आप कल देख लेना, अभी चलिए फ्रेश होके खाना भी तो खाना है। वैसे आज मैंने पनीर पसंदा बनाया है। अरे वाह वाह वाह। दोस्तों अंजलि में कला है कि वो वेस्ट में से बेस्ट बना सकती है, और ये बहुत ही उपयोगी कला है। जब हम चीजें इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे वो चीजें पुरानी हो जाती है और फिर हम उसे फेंक देते हैं, लेकिन उन पुरानी चीजों में हम कुछ ऐसा बनाएं जो हमारे काम आए, तो ये उस पुरानी चीज का सदुपयोग है। ऐसा करने से हम कचरा कम करने में मदद करते हैं। तो अंजलि गोकुल धाम की महिला मंडल को कुछ गिफ्ट करने वाली है, ये क्या होगा ये तो आपको पता चल ही जाएगा। और दोस्तों आप सबको तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम और हमारे शो के सर्जक असित कुमार मोदी जी की तरफ से नूतन वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवाली जैसी खुशियां आपके जीवन में हर रोज आए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके सर पर बना रहे, सालों साल हंसी की गंगा बहती रहे और आप उसमें गोते लगाते रहे। भाई गोकुल धाम में तो हर त्योहार हर मौसम में हंगामे होते हैं, और यहाँ के हंगामे आपके घर पर हंसी और ठाकों के दीप जलाएंगे, तो देखना ना भूले तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।